नमस्ते, मैं हरिकिशन मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खेरवाड़ा। मैं अपने इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स में लूप या पास विश्लेषण के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हम लूप या पास विश्लेषण के लिए हम लोग केवीएल नियम का यूज करते हैं, किरचॉफ वोल्टा नियम का। और इस नियम का उपयोग करने के बाद में हमने एक अज्ञात चार लिया था जिसके बारे में हमें पता है कि उसकी पर्टिकुलर ब्रांच में कितनी प्रतिबाधा है और हमारे पास जनरेटर स्रोत कितने हैं। और उसके बाद में हमने जब केवीएल लगाया था हमारे पास में ये तीन इक्वेशन निकल के आई थी। और हमने ये भी ज्ञात किया कि अगर ये जाल हमारे पास और बड़ा तो हमारे पास समीकरणों की संख्या, प्रतिबाधा और धारा के रूप में जो समीकरण आते हैं उनकी संख्या कितनी होगी। उसके लिए हमारे पास जो नियम था वो ये था कि बी माइनस एन प्लस वन इसकी संख्या होती है। यहाँ पे हमारे पास पांच ब्रांच थी और संख्या कितनी थी, तीन। तो हमारे पास में जो समीकरण आए वो तीन निकल के आए थे जो आपके पास है। उसी प्रकार से हमारे पास जो ये जाल है वो बड़ा हो, काफी बड़ा, तो हमारे पास सपोज करो 20 हमारे पास ब्रांच है, 6 हमारे पास संख्या है, तो हमारे पास जो समीकरण आए वो कितना आएंगे, 15। अब एक बात ध्यान रखने लगे हैं कि जितने हमारे पास समीकरण आते हैं उतने ही वेरिएबल करंट होती है, मतलब जो चर होती है, जो अज्ञात होती है हमारे पास वो होती है। तो हमारे पास जो 15 समीकरण आएंगे तो हमारे पास I1, I2, I3, I4 तो I15 की करंट होंगी, धाराएं होंगी। और 15 समीकरण यहाँ पे हमारे पास तीन ही I1, I2, I3 हैं और तीन ही समीकरण में इसको हम लोग प्रतिस्थापन के द्वारा हल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में यदि समीकरणों की संख्या ज्यादा हो और हमारे पास जो वेरिएबल है उनकी मान भी ज्यादा हो तो हम लोग प्रतिस्थापन के विषय को हल करना आसान नहीं होता है, बहुत हल करने को कर सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसी बल्कि हम क्या करते हैं, हम लोग मैट्रिक्स मेथड का उपयोग करते हैं। मैट्रिक्स मेथड क्या है अभी हम बताते हैं। क्या है मैट्रिक्स मेथड, ओके। अभी देखो यहाँ पे एक बात और देखो, जैसे ये हमारा पहला लूप है उसमें हमारा आई1 के साथ क्या आएगा, I1 Z3, दिस इज Z1 and Z3, ओके। और उसके बाद हमारे पास I2 के रूप में क्या आएगा, नेगेटिव इंटेंसिटी है, I3 उसको हल करने के बाद में हमारे पास I1 के लिए तो यहाँ पे इसमें Z3 आएगा और I2 के लिए क्या आएगा, इसमें कितनी प्रतिबाधा है वो पॉजिटिव में आएगी, 1, 2, 3, ये Z2 पॉजिटिव आएगी और Z4 है वो नेगेटिव में आएगी। उसके बाद में जो थर्ड वो है उसमें देखो I1 का कोई रोल नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद I2 है उसमें हम लोग -Z4 I2 है और एक प्रतिबाधा है जो पॉजिटिव में आएगी, इज इक्वल टू। अब हम लोग क्या करते हैं, जो धाराओं के गुणक है उनको एक मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं, हम लोग इसको प्रतिबाधा मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, प्रतिबाधा मैट्रिक्स कहते हैं। प्रतिबाधा मैट्रिक्स, प्रतिबाधा मैट्रिक्स क्या है, जो धाराओं के गुणक है उसको हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और उसको बोलते हैं लोग प्रतिबाधा मैट्रिक्स। तो ये होती है हमारी Z इक्वल टू, यहां पे आया था वन कितना है, Z1 प्लस Z3, ओके। फिर I2 का गुणन कितना है, उससे पहले हम लोग यहां पे हां ले लिए थे हमारे -Z3, उसके बाद -Z3 है, उसके बाद I3 का गुणन कितना है, 0 है, हम लोग 0 ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट समीकरण है उसमें I1 का गुणन कितना है, -Z3 और I2 का गुणन कितना है, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4
ये आई टी का गुणन है, पर आई टी का गुणन कितना है, माइनस जेड फोर, माइनस जेड फोर ये आई टी का आई थ्री का गुणन है, आई थ्री का गुणन है। उसके बाद जो ये समीकरण में से डाल रहा हूँ तो लिखते हैं आई वन में कितना है शून्य, शून्य लिख दिए, आई टू का कितना है माइनस जेड फोर, और आई थ्री कितना है जेड फाइव। ठीक है, इस प्रकार से ये जो मैट्रिक्स हमें मिलती है ये धाराओं के गुणक होते हैं, इसके रूप में मिलती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिबाधा मैट्रिक्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स में ये वन वन पोजिशन पे है, ये टू पोजिशन पे है, थ्री पोजिशन पे है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस जेड थ्री है, ये माइनस जेड थ्री है, ये शून्य है, शून्य है, माइनस जेड फोर है, अर्थात ये एक तरह से सममित मैट्रिक्स है, और ये थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स, थ्री बाई थ्री है, थ्री बाई थ्री की एक सममित मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इसमें इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना चाहे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, धारा इसको हम लोग जो बल मैट्रिक्स है उसमें इसको हम लोग जेड वन वन, इसको जेड टू टू, जेड थ्री थ्री है, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, जेड इक्वल टू, जेड इक्वल टू जेड वन वन, जेड टू वन, जेड थ्री वन, जेड वन टू, जेड टू टू, जेड थ्री टू, जेड वन थ्री, जेड टू थ्री, और जेड थ्री थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जेड वन टू कितना भैया, जेड वन प्लस जेड थ्री, जेड टू टू कितना है हमारा, जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर, और जेड थ्री थ्री कितना है हमारा, जेड फाइव। उसी प्रकार से जेड वन टू क्या है हमारा, माइनस जेड थ्री, जेड वन थ्री क्या है, शून्य है, जेड टू वन क्या है, माइनस जेड थ्री है, और जेड थ्री वन कितना है हमारा, शून्य है, और जेड थ्री कितना है, जेड फोर, और जेड टू थ्री कितना है, माइनस जेड फोर। देखो ये जो जेड वन वन है, जेड वन वन को हम लोग क्या कहेंगे, जेड वन वन जो लूप एक है उसके प्रतिबाधा, ठीक है, इस लूप की प्रतिबाधा की है जेड। उसी प्रकार से जेड टू कितनी है, इस लूप की प्रतिबाधा है जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर, इस लूप में प्रतिबाधा कितनी है जेड फोर, तो ये हमारी जेड थ्री कितनी है जेड फाइव, स्पष्ट दिख रहा है कि इस लूप में कितनी प्रतिबाधा है जेड फाइव। उसके बाद में हमारे पास कोड भी है, ये जेड टू वन या जेड वन कितने हैं, जेड टू वन या जेड टू, इसकी दोनों की वैल्यू कितनी माइनस जेड थ्री है। यहाँ पे देखते हैं जेड वन वन, जेड वन वन कितना हमारा, जेड वन प्लस जेड थ्री, ठीक है। ये जो पहला परिपथ है इस परिपथ की प्रतिबाधा लूप एक की या परिपथ एक की, ये हमारी प्रतिबाधा है जेड वन वन। जेड टू टू ये जो सेकेंड नंबर का परिपथ है उसकी प्रतिबाधा है जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड टू, जेड टू कितनी है, जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड टू, इस ये जो परिपथ है हमारा इस परिपथ की प्रतिबाधा है जेड टू जेड थ्री एंड जेड फोर। उसी प्रकार से हमारा जेड थ्री थ्री कितनी है, जेड फाइव, जेड थ्री कितनी है जेड फाइव, तो जेड फाइव क्या है, जेड फाइव इस टू की प्रतिबाधा है, इस परिपथ की प्रतिबाधा है। उसके बाद में हमारे पास में और भी है जेड वन टू और जेड टू, क्योंकि जेड वन टू और जेड टू है जेड वन टू जेड टू वन माइनस जेड थ्री है, तो जेड वन टू इक्वल टू जेड टू वन इक्वल टू माइनस जेड थ्री, ठीक है। ये क्या है, लूप ए और लूप दो के बीच में जो अन्योन प्रतिबाधा है, ठीक है, म्यूचुअल इंपीडेंस है, लूप एक और लूप या परिपथ एक या दो है, लूप एक या दो की ऑफ लूप वन एंड, ये हमारी जेड वन वन
Z2 और Z3 है, इसकी वैल्यू कितनी है, मैंने Z4 है, Z32 इक्वल टू Z23 इक्वल टू -Z4। ये क्या है, ये म्यूचुअल इंपेडेंस है लूप 2 और 3 की, ठीक है, लूप 2 और 3 की अननोन या ऐसे बदल तो दोनों साझा करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे कितने हैं म्यूचुअल इंपेडेंस Z3, तो Z3 लूप 1 और लूप 2 दोनों साझा करते हैं, इसको हम म्यूचुअल इंपेडेंस कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे Z4 है, Z4 को कौन साझा कर रहे हैं, ये भी लूप साझा कर रहे हैं, एक भी साझा कर रहे हैं, इन दोनों की म्यूचुअल इंपेडेंस है। उसी प्रकार से हमारे पास में एक Z31 और Z13 बची, Z31 इक्वल टू Z13, ये कितना है हमारा, ये क्या है, ये भी म्यूचुअल इंपेडेंस है लूप 1 और 3 के बीच में, जो कि शून्य है, क्योंकि लूप 1 और लूप 2 के बीच में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स है उसकी गेन क्या होगी, इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जो 1-1 और 2-3 पोजिशन पे आते हैं वो संबंधित लूप की प्रतिबाधा होती है। उसके बाद में ये हमारी लूप 1-2 उसकी म्यूचुअल इंपेडेंस है, ये लूप 1 और 3 की म्यूचुअल इंपेडेंस है, और ये लूप 3 और 2 की म्यूचुअल इंपेडेंस है, जो कि हमारे पास में यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ये 2-1 है या 1-2 है, इनका वैल्यू क्या है, -Z3 है, और ये 3-2 या 2-3 है, इसकी वैल्यू -Z4 है, ये 1-3-1 और ये 1-3 है, इसकी वैल्यू शून्य है। यहाँ से हम देख सकते हैं ऐसे लूप है और दोनों कौन सी प्रतिबाधाएं शेयर कर रहे हैं, वो अक्सर ऐसा होता है। अब हम लोग ये जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग सोल्व करते हैं ताकि धारा का मान ज्ञात किया जा सके। देखो इन तीनों समीकरणों को मैट्रिक्स रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको मैं मिटा के दोबारा लिखता हूं, इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको, Z1 + Z3 - Z3 शून्य, इसके बाद -Z3 और यहाँ पे हमारा Z2 + Z3 + Z4 और ये हमारे -Z4, ये शून्य है, ये -Z4 है, ये हमारा Z5 है। ये हमारा I1 है, ये I2 है, ये I3 है, this is equal to E1 शून्य -3। तो ये जो तीनों समीकरण है उसको हम लोग एक ही समीकरण के रूप में इस तरह से लिखते हैं मैट्रिक्स के रूप में, इस प्रकार से। अब देखो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्तंभ मैट्रिक्स है, ये स्तंभ मैट्रिक्स है, ये स्तंभ मैट्रिक्स है, ये त्रिभुज की मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इसको इस स्तंभ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में एक समीकरण आएगा Z1 + Z3 × E1 फिर -Z2 × I2 और शून्य −I3, जो कि ये समीकरण है और इसके बराबर क्या है, E1। तो जैसे हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्तंभ मैट्रिक्स आएगी, उसमें पहला स्तंभ किया, पहला स्तंभ का पहला वैल्यू होगा वो ये होगा 1। उसके बाद में हम लोग इसको हम लोग अगर इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे इस पंक्ति को, सो -Z3 I1 - Z3 I1 फिर Z2 Z3 Z4 × I2 Z2 Z3 Z4 × I2 और -Z4 × I3 - Z4 × I3 This is equal to शून्य, ये शून्य है, ठीक है। इस प्रकार से जो सेकंड स्तंभ मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट में हमारे पास में ये आ गया, ऐसे कैसे,
इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में सेम ये एलिमेंट आएंगे। हमने इस पर कहां से आता है इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आया इसे z1 plus z3 times i1 plus minus z3 times i2 plus शून्य टाइम i3। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टम मैट्रिक्स है। इसके बराबर हमारे पास में ये है e1। उसी प्रकार से हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में देखो ये सेम आ रही है। तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आएगा। यहाँ फिर हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स की कंपेयर करेंगे तो हमारे इस समीकरण के बराबर ये आएगा, तो हमारे पास ये समीकरण निकल गया था। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं इन समीकरण को इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहां से हम लोग मैट्रिक्स की विशेष धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रतिबाधा मैट्रिक्स है उसको हम लोग सारे को हम लोग डेल्टा जेड लिखते हैं। डेल्टा जेड इक्वल टू क्या होगा हमारा, डेल्टा जेड इक्वल टू इसका सारण है जेड वन प्लस जेड थ्री माइनस का जेड थ्री शून्य माइनस जेड थ्री Z2 plus Z3 plus Z4 minus Z4 और शून्य minus Z4 और ये Z5, ये हमारा सारणी हो गया प्रतिबाधा मैट्रिक्स का। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा ये स्तंभ मैट्रिक्स है उसको हम लोग किसी एक स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके संगत हमारे पास जो सारणी आया उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड वन अगर वन को प्रतिस्थापित किया तो टू, दूसरे नंबर पर स्तंभ को प्रतिस्थापित किया तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा जेड टू और तीसरे नंबर के स्तंभ को प्रतिस्थापित किया तो लिखेंगे डेल्टा जेड थ्री। तो हम लोग डेल्टा जेड थ्री लिखते हैं, डेल्टा जेड वन वन लिखते हैं। डेल्टा जेड क्या आएगा इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर देते हैं, ई वन शून्य माइनस बी टू ये हमने रिप्लेस कर दिया। अब हम लोग बाकी को ऐसे कैसे निकाल लेते हैं, माइनस जेड थ्री जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर माइनस जेड फोर और इसको ऐसे कैसे निकाल लेंगे, शून्य माइनस जेड फोर फोर जेड फाइव, ये हमारा डेल्टा जेड वन आ गया। उसी प्रकार से हम लोग डेल्टा जेड टू लिख सकते हैं, उसी प्रकार से डेल्टा जेड थ्री लिख सकते हैं। तो डेल्टा जेड टू लिखते हैं हम यहाँ पे जगह कर लिया, तो डेल्टा जेड थ्री क्या होगा इसको हम लोग इससे प्रतिस्थापित कर देते हैं, माइनस जेड प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री फिर माइनस जेड थ्री शून्य माइनस जेड थ्री जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर और माइनस जेड फोर या माइनस जेड फोर और इसको हम लोग इस सिस्टम को हम लोग इस सिस्टम से प्रतिस्थापित कर देते हैं, हमारे पास आएगा शून्य जेड फोर सॉरी ई वन शून्य माइनस डेल्टा जेड टू में किसको भाग देंगे,
डेल्टा जेड का, आई टू इक्वल टू डेल्टा जेड टू डिवाइड डेल्टा जेड, और हमें आई थ्री याद करनी है, तो आई थ्री याद करने के लिए क्या करेंगे हम, इस सारणी के तीसरे स्तंभ में तीसरे स्तंभ को हम लोग इस स्तंभ से प्रतिस्थापित कर लेते हैं, ये करते हैं हमें वो जो वैल्यू आई है डेल्टा जेड की सारणी की उसमें हम लोग इसका भाग लगाते हैं, आई थ्री इक्वल टू डेल्टा जेड की डिवाइड डेल्टा जेड, तो ये काफी आसान हो जाता है क्योंकि हमारे पास में जितने अननोन होते हैं उतने ही हमारे पास इक्वेशन आती है, तो जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी हमारा मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ओके, और उसके कारण हम लोग आसानी से मैट्रिक्स की सहायता से जिस भी ब्रांच में हम लोग धारा जमा के रखते हैं उसको हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ आई टू याद की, यहाँ पे आई टू याद की, आई थ्री याद की, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हमारे पास 15 इक्वेशन आती है तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी 15 और 15 की आएगी, और यहाँ आई वन से लेके आई 15 आएगा, और यहाँ भी मैट्रिक्स में हमारे पास 15 एलिमेंट होंगे, लेकिन हम लोग उसका सारणी सोल्व करके फिर उस सारणी में हम लोग जो भी करंट याद करनी है उसके संगत स्तंभ में हम लोग स्तंभ को प्रतिस्थापित करते हैं, फिर उस सारणी का जो मान आता है उसमें हम लोग प्रतिवादा मैट्रिक्स के सारणी को इसको भाग देके हम लोग करंट का मान ज्ञात करते हैं, इस प्रकार से हम लोग लूप या पास विश्लेषण में इसी ब्रांच में धारा का मान ज्ञात करते हैं, और लूप और पास विश्लेषण में लूप की वैल्यू नियम लगाते हैं और इसमें जो समीकरणों की वैल्यू आती है ए बी माइनस एन प्लस बनाते हैं, इस प्रकार से ये हमारा लेक्चर नंबर, थैंक यू।